आज हम लोग पढ़ेंगे संघ कार्डेटा के उपसंघ क्रेनिएटा के बारे में। तो क्रेनिएटा वर्ड जो है ये हमारा क्रेनियम नामक शब्द से लिया गया है और जिसका हिंदी में मतलब होता है कपाल। क्या होता है? कपाल। तो कपाल जो होता है ये जो है इस संघ के जंतुओं में जो है कपाल गुहा पाई गई। क्या पाया गया? कपाल गुहा। और इसीलिए जो इस संघ के जंतुओं को क्या कहता है, क्या कहते हैं? तो क्रेनिएटा। ठीक। इसके बाद जो हम बात करते हैं इस संघ के जो जंतु होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण की अगर बात करें लक्षण में जो पहला लक्षण हम लिखेंगे आवास। इस संघ के जो जंतु होते हैं वो जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जो है आवासों में रहते हैं। और फिर अगर बात करते हैं इस संघ के जंतु जो होते हैं उनमें अगर सममित की बात करें, सममित जो होती है वो बायलैटरल पाई जाती है, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। और अगर द्विपार्श्व सममित पाई जाती है सिमेट्री, और बायलैटरल सिमेट्री। ठीक। और ये जो है एक्वाटिक होते हैं, जलीय का मतलब एक्वाटिक और स्थलीय का मतलब जो हो जाएगा टेरेस्ट्रियल। और हैबिटेट का मतलब क्या होता है? आवास। ठीक। फिर बात, अच्छा अगर इनमें द्विपार्श्व सममित पाया जाता है तो इनका शरीर जो है इसका मतलब लंबा होता है कि गोलाकार, तो इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? तो लंबा होता है। ठीक। फिर बात करते हैं शरीर जो है किन किन भागों में बटा होता है, तो शरीर जो होता है इनका सिर, धड़, ठीक ना, इनका शरीर जो होता है ठीक ना, तो इनका शरीर जो है सिर धड़ तथा पूंछ में बटा होता है। फिर बात करते हैं कि इस संघ के जो जंतु होते हैं इनमें श्वसन, तो श्वसन जो है इसमें एक तो क्लोम या गिल्स के द्वारा होता है और दूसरा जो होता है ये हृदय का जो फेफड़ा होता है या जिसको हम लंग्स बोलते हैं उसके द्वारा भी होता है। बात सुने? कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात की जाए इसमें जो हृदय होता है वो कितना चैम्बर का होता है, तो ये जो है दो तीन या चार चैम्बर कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, ये कंफर्म है नहीं है, मतलब कोई फाइलम जो होता है उसमें एक जंतु का नाम होता है कि एक बड़ा खानदान होता है पूरा, बहुत सारे जंतु होते हैं तो उसमें जो होता है दो चैम्बर वाले या तीन चैम्बर वाले या फिर चार चैम्बर वाले होते हैं। अगली बात आती है कि इस संघ के जो जंतु होते हैं वो जो है लैंगिक आधार पर जो है एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं, तो इस संघ के जो जंतु होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल। ठीक। श्वसन की इंग्लिश क्या होगी? रिस्पायरेशन। और ये क्लोम का इंग्लिश क्या होगा? गिल्स, मतलब और ये जो है लंग्स या फेफड़ा इसकी क्या हो जाएगी? हार्ट। ठीक ना। और ये दो से तीन चैम्बर या बेस में इसका हृदय बटा होता है। ठीक ना। तो ये जो है कुछ इसके बेसिक लक्षण है। इतना छापिए पहले। एक क्या है
अगला लक्षण है कि इन जंतुओं में जो है कंकाल जो होता है वो बाह्य और अंतः दोनों पाया जाता है। बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। ठीक, तो बाह्य कंकाल जो होता है इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। और अंतः कंकाल को बोलते हैं एंडोस्केलेटन। ठीक, और बाह्य कंकाल जो होता है वो आप देखेंगे इनका जो फीडर या पंख होता है या फिर जो है आप इनका जो नाखून देख सकते हैं। ठीक, और क्लास का मतलब पंजे, CLAW, यस, क्लास का मतलब पंजे और बाल। ठीक है, तो इनमें जो है अंतः कंकाल जो है इन लोगों में पाया जाता है। ये बाह्य कंकाल, ये सब क्या है, तो बाह्य कंकाल पंख नाखून पंजे और बाल के रूप में। और वही बात करते हैं अंतः कंकाल की, तो ये जो है अस्थि या उपास्थि के बने हो सकते हैं, अस्थि या उपास्थि। अस्थि जो होती है या हड्डी जो होती है मजबूत होती है, उपास्थि क्या होती है लचीली होती है। तो अस्थि को बोलते हैं बोन और उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक, फिर जो है बात करते हैं अगला लक्षण कि इनमें जो पाचन तंत्र होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना, तो ये जो है पूर्ण विकसित होता है, वेल डेवलप होता है। पूर्ण विकसित या वेल डेवलप। ठीक, और ये जो है कुंडलित होता है या फोल्डेड होता है। कुंडलित मतलब नहीं समझ आता, तो घुमावदार होता है। कुंडलित का मतलब घुमावदार। घुमावदार का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हमारा जो आहार नाल है वो कुछ इस टाइप का ऐसे है ना, तो ये जो है इनका आहार नाल भी ऐसे ही होता है। फिर बात करते हैं इनमें जो पैर होते हैं या इसको जो हम उपांग बोलते हैं, जॉइंटेड फूट, ये जो है जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो है अलग अलग अंग जीवधारियों में अलग अलग कार्यों के लिए रूपांतरित रहते हैं। इनका कार्य जो होता है अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग होता है। ठीक, फिर बात करते हैं इसमें जो उत्सर्जन होता है एक्सक्रीशन, वो जो होता है फूट हो जाएगा पेयर, वन पेयर एक जोड़ी। ठीक ना, तो इनमें उत्सर्जन जो होता है वो किडनी के द्वारा या ब्रिक के द्वारा ही होता है। किडनी या ब्रिक के द्वारा ही होता है। और ये किडनी जो दो टाइप की हो सकती है, या तो मीसोनेफ्रिक या फिर मेटानेफ्रिक। मीसोनेफ्रिक या फिर मेटानेफ्रिक। ठीक ना, तो ये किडनी का दोनों प्रकार है और इनमें जो है इस प्रकार जो है उत्सर्जन पाया जाता है। इसको बनाइए तरह। और लास्ट है, अगर इसमें बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र,
और संचरण तंत्र की बात करें तो ये बेसिकली जो है बंद प्रकार का पाया जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये नलिकाओं में बहता है। और इसमें जो परिसंचरण तंत्र के नाम पर जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है वो बेसिकली डिवाइड होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। और इसमें जो है आरबीसी में ब्लड में जो है ये हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, और इसका जो खून का रंग होता है वो भी कैसा होता है, तो लाल होता है। ये जो है कुछ इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसके आधार पर जो हम संक्रियता के लक्षणों को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। बना लीजिए और ये छोड़ दीजिए।